हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नंदा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी तेज़ की बारिश हो रही है और पकौड़े ने बनाए तो क्या बनाया। पहले तो मैंने बारिश को एंजॉय किया। यहाँ से थोड़े से कड़ी पत्ता ले लिए और यहाँ देखिए कितना हरे भरे ये पेड़ बारिश के मौसम में हो जाते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। और यहीं बैठ के पकौड़े खाए जाएँ तो कितना मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ अपने किचन में। यहाँ पर मैंने दो छील के प्याज ले लिए। प्याज को पहले ऊपर से काट देंगे। ये पीला पार्ट है ना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम पूरी तरीके से निकाल देंगे ये पार्ट को। और प्याज को थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट लेंगे। इस तरीके से प्याज को काटेंगे और पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। इस तरीके से काटने से प्याज बिल्कुल अलग अलग हो जाता है और पकौड़ों में इतना टेस्ट आता है कुछ कह नहीं सकते। तो सारे प्याज को इसी तरीके से बॉल में निकाल के रख लेंगे। प्याज काटने के बाद हम आलू को काट लेंगे। आलू को हम उसी तरीके से काटेंगे, लंबा लंबा टिपिकली स्लाइस। आलू को एकदम पतला ही काटें, ज़्यादा मोटा नहीं काटें। यहाँ पर पकौड़ों में बहुत ही अच्छे दिखते हैं और पकौड़े भी अच्छे लगते हैं इस तरीके से काटने से। मैंने यहाँ पर दो प्याज और एक आलू ले लिया है। आलू को इसी तरीके से काट के रख लेंगे हम। तो चलिए, आलू भी कट के तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। इसको भी रख लेंगे अभी साइड में। अब यहाँ पर ले रहे हैं करी लीव्स, मतलब करी पत्ता। इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। करी पत्ता डालने से पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसकी खुशबू होती है ना, जो बहुत ही अच्छी होती है। जब पकौड़े खाएंगे ना तो उसका टेस्ट एकदम अलग ही आता है। इसको भी रख लें अभी कटोरी में। थोड़ी सी हम ग्रीन चिली भी काट लेंगे। ग्रीन चिली का यूज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। जैसा आपको तीखा पसंद हो उस तरीके से आप काट के रख लें। तो चलिए, सभी ग्रीन चिली को मैंने यहाँ पर काट लिया है। पेस्ट बनाने के लिए आप ले लें एक बॉल। बॉल में डाल देंगे सबसे पहले हम प्याज जो काट के रखा था मैंने। फिर इसमें डाल देंगे आलू, ग्रीन चिली। सबसे बेहतरीन टेस्ट आने के लिए यहाँ पे डाल देंगे करी लीव्स। कुछ मसाले ऐड कर दूंगी उसमें। सबसे पहले हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला डालेंगे। पकौड़ों में ये मसाले डालने से पकौड़ों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा अलग तरीके से ही बन के तैयार होते हैं। थोड़ी कस्तूरी मेथी, जीरा, अजवाइन डाल देंगे, हींग डाल देंगे और इस मिक्सचर को पूरा तरीके से मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जितनी इसमें नीड होगी उतना ही इसमें डालें और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलिए, अब इसके हम पकौड़े बनाएंगे। पैन में मैंने तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया और गैस को मीडियम करके ये पकौड़ों को मैं डाल दे रही हूँ। जितने पकौड़े इस पैन में आए उतना ही डालें, फिर बाद में सेक लें। बीच बीच में कभी गैस का फ्लेम हाई कर लें, कभी लो कर लें। इसी तरीके से सारे पकौड़ों को डाल के अलट पलट के सेंक लेंगे। एक एक करके सारे पकौड़ों को पलट लेंगे। पकौड़े पलटने के बाद गैस को मीडियम कर लें और पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। यहाँ पर पकौड़ों ने थोड़ा कलर चेंज कर दिया है, बस थोड़ा सा और सेंक लेंगे इनको। पकौड़ों को तलते समय बराबर चलाते रहें कलची की हेल्प से। अब ये फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे धीरे से। धीरे धीरे करके सारे प्लेट में निकाल के रख लेंगे हम और इसको बारिश के मौसम में बैठ के इंजॉय करेंगे। तो चलिए, सारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। इसको चाहे चाय से खाएं, सॉस से खाएं या चटनी से खाएं, जिससे भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं ये। तो चलिए, अब थोड़ी सी हम चाय भी बना लेते हैं। चाय पे गैस पर बर्तन रख दें। फिर इसमें डाल दें एक कप दूध, एक चम्मच चाय पत्ती और साथ में चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके डाल लें और थोड़ी सी अदरक। चाय को 2 से 3 मिनट खौला लें। फिर इसको छान के इंजॉय करेंगे पकौड़ों के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी है ये पकौड़े बनाना। कोई भी कभी भी बना के खा सकता है इनको। प्याज काट लें, आलू काट लें और जो भी आपको डालना हो वो सब चीज़ें काट के बॉल में डाल के पकौड़ों को बना लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो पकौड़े खाने चली। आप भी इस डिश को ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।